रीबेस, जब भी आप ब्रांचेस पे काम करते हैं तो कुछ पॉइंट इन टाइम के बाद आपको अपनी ब्रांचेस को मर्ज करना होता है। ब्रांचेस को मर्ज करने का एक तरीका तो गिट मर्ज है, जो हमने देखा है, वो बहुत ही ईजीएस्ट सोल्यूशन है ब्रांचेस को मर्ज करने का। इसके अलावा एक और सोल्यूशन भी है ब्रांचेस को मर्ज करने का, जो कि गिट रीबेस कहलाता है। मर्ज और रीबेस में फ़र्क यह है कि जब आप गिट मर्ज करते हैं तो आपकी ब्रांचेस के कमिट मर्ज होते हैं, ऐसे जैसे हिस्ट्री मेंटेन होती है कि किस ब्रांच से क्या मर्ज कमिट हुआ था, और आपकी एक टाइमलाइन बनती है। रीबेस क्या करता है, इस तरीके से बताता है कि आपके कमिट्स एक सिंगल लाइन में कमिट हुए हैं, यानी कि उसी ब्रांच के कमिट हैं, वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। वरना जनरली आपके ब्रांचेस की लाइंस क्रिएट होती हैं कि इस ब्रांच से ये कमिट आया है, इस ब्रांच से दूसरा कमिट आया है, हम आगे चल के इसको देखेंगे डिटेल में। रीबेस क्या करता है, रीबेस आपकी कमिट्स की टाइमलाइन को स्ट्रेट कर देता है। इससे ये पता नहीं चलता कि किस ब्रांच से कौन सा कमिट आया है, सिर्फ ये नज़र आता है कि एक टाइमलाइन है जिसमें सिंपल कमिट्स मौजूद हैं। रीबेस का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, आपको अंडरस्टैंड करने में भी कभी कभार मुश्किल होती है। मर्ज सिंपलेस्ट सोल्यूशन है, रीबेस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। रीबेस को समझने से पहले हम मर्ज को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि मर्ज और रीबेस में फ़र्क क्या है। जब हमें मर्ज के एक्टिविटी पता होगी कि मर्ज किस तरीके से क्या इफ़ेक्ट करता है, तो हमें रीबेस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ब्रांचेस को जब आप मर्ज कमांड के थ्रू मर्ज करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड और एक मर्ज कमिट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, जब भी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी मास्टर ब्रांच है जिसमें आपके सारे कमिट्स मौजूद हैं, उससे आपने एक नई ब्रांच क्रिएट की डेव के नाम से। अब आपने डेव के नाम से ब्रांच क्रिएट की, या तो आपने डेव में न्यू कमिट्स कर लिए या मास्टर में न्यू कमिट्स कर लिए, किसी एक ब्रांच में एडिशनल कमिट्स हैं, दोनों में एडिशनल कमिट्स नहीं है, नए कमिट्स दोनों में नहीं है। कि ब्रांच बनने के बाद दोनों में से किसी एक ब्रांच में नया कमिट हो तो वो कमिट, उसको मर्ज करना रिलेटिवली सिंपल होता है, और उसको जब मर्ज किया जाता है तो वो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कहलाता है। इस डायग्राम में आप देखें, आपके पास ब्रांच ए में एक कमिट मौजूद है, ये आपका एंसेस्टर है। उसके बाद आपने ब्रांच बी क्रिएट की, ब्रांच बी क्रिएट करने के बाद ब्रांच ए और ब्रांच बी का कॉमन एंसेस्टर है C1 कमिट। अब ब्रांच बी में C2 और C3 कमिट क्रिएट हुए, उसके बाद ब्रांच ए में कोई कमिट नहीं है। अब इन चेंजेस को आपने मर्ज करना है, यानी कि ब्रांच बी में जो भी चेंजेस हैं आपको ब्रांच ए में लेकर जानी है, तो ये सिंपल मर्ज होता है और इसे फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कहते हैं। जब आप सिंपल केस में मर्ज कर रहे होंगे तो गिट के लिए ये बहुत ही आसान है कि आपके C1 के कमिट के बाद C2 और C3 को सिर्फ उसके आगे ऐड कर दे, तो सिंप्लीफाइड है बिल्कुल ही, और ब्रांच ए और बी सेम हिस्ट्री को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। ब्रांच बी के पास भी C1, C2, C3 हो जाएगा, ब्रांच ए के पास भी C1, C2 और C3 कमिट्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल मर्ज है, और ब्रांच ए और ब्रांच बी दोनों सेम हिस्ट्री को, दोनों की कमिट हिस्ट्री सेम हो जाएगी। या आप एक डायग्राम देखें, इसमें ब्रांच ए और ब्रांच बी को मर्ज करने के बाद दोनों की हिस्ट्री सेम हो गई है। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक में एडिशनल कमिट्स थे, बी में, आपने बी को ए में मर्ज किया, तो C1, C2, 3 अब दोनों में सेम हो गए। अब हम एक डेमो देखते हैं जिसमें हम ब्रांचेस को मर्ज करेंगे फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट में, यानी कि किसी एक ब्रांच में एडिशनल कमिट होंगे, दोनों में एडिशनल कमिट नहीं होंगे। इसलिए पहले हम देखते हैं अपने रिपोजिटरी में कितने ब्रांचेस मौजूद हैं। एक ब्रांच मास्टर मौजूद है और ये हमारे सारे कमिट्स इस ब्रांच पर मौजूद हैं, यानी कि अब जो भी मैं ब्रांच बनाऊंगा उसका एंसेस्टर ये होगा, यानी कि फोर्किंग पॉइंट ब्रांच का ये होगा, दोनों ब्रांचेस का हेड ये होगा, उसके आगे से नए कमिट शुरू होंगे। मैं क्रिएट करता हूँ, दो ब्रांचेस बन गई।
अब आप देखें तो इट्स डेफ भी यहीं पर मौजूद है, ओरिजिन भी यहीं पर ही, और मास्टर भी यहीं पर ही है। अब मैं डेव में मौजूद हूँ और एक एडिशनल कमिट मैं डेव में कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डॉट txt में टेक्स्ट लिख के चेंज किया और अपडेटेड फर्स्ट डॉट txt। अब आप देखें आपको गिट हिस्ट्री में भी, लॉग्स हिस्ट्री में भी नज़र आ रहे हैं, ओरिजिन आपका इस गिट कमिट तक मौजूद है, मास्टर भी यहाँ तक मौजूद है, डेव में एक कमिट एक्स्ट्रा हो चुका है। एक और कमिट कर लेते हैं, ऐड कर दिया गेट लॉग। अब आपके डेव में दो कमिट हैं, मास्टर में, इस वक्त हम मास्टर में कोई एडिशनल कमिट नहीं कर रहे, डेव में दो कमिट हो चुके हैं। अब मैं मास्टर पे जाके डेव में जो भी चेंजेस हैं वो मास्टर में कमिट करूँगा, मास्टर में मर्ज करूँगा। अब आप इसको इस तरह समझें कि डेव पर काम किया गया, जो भी चेंजेस करने थे आपने पहले डेव पर किए, अब वो चेंजेस फाइनल हो चुके हैं, तो अब आपने वो चेंजेस मास्टर में मर्ज करने, तो मास्टर में मर्ज करने तो आप कॉल करेंगे गेट मर्ज डेव। मास्टर की ब्रांच में आप खड़े हुए, इस वक्त मास्टर की ब्रांच चेकआउट है, आप कह रहे हैं गेट मर्ज डेव, इससे क्या होगा, डेव के जो भी कमिट हैं वो मास्टर में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि मास्टर में कोई एडिशनल कमिट नहीं है, जहाँ से ब्रांचेस क्रिएट हुई थी उसके बाद से डेव में नए चेंजेस आए, मास्टर में नए चेंजेस नहीं आए, तो डेव को जब मर्ज करेंगे तो ये सिंपल मर्ज होगा, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज है ये, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड लिखा भी आ रहा है, ये मर्ज हो गया। अब आप लॉग्स चेक करेंगे, फाइल्स भी देख लेते हैं, आपके पास थर्ड डॉट txt में चेंज भी आ गया है। लॉग जब हम देखने जा रहे हैं तो अब आपका डेव और मास्टर दोनों यहाँ मौजूद हैं, ओरिजिन क्योंकि हमने पुश नहीं किया इसलिए ओरिजिन आगे नहीं बढ़ा है, पुश कर देंगे, गिट पुश करेंगे तो ओरिजिन पे भी ये चेंजेस चले जाएंगे, यानी कि आपकी रिमोट रिपॉजिटरी पे। ये सिंपल मर्ज है इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज भी कहते हैं, इसमें आपकी जो जिन दो ब्रांचेस को आपस में मर्ज किया जा रहा हो तो उसमें से किसी एक में चेंजेस मौजूद होते हैं, जिसमें चेंजेस होंगे उसको दूसरे ब्रांच में मर्ज किया जाएगा और ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा। अब हम यही फास्ट फॉरवर्ड मर्ज स्मार्ट गेट के थ्रू, यूआई के थ्रू करके देखते हैं, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी हुई है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड और txt में कुछ चेंज, पहले मुझे देखना पड़ेगा मैं किस ब्रांच में मौजूद हूँ, मैं इस वक्त मास्टर ब्रांच पे मौजूद हूँ, मैंने इसको मूव किया डेव पे, डेव ब्रांच पे मौजूद हूँ, डेव ब्रांच में आके मैंने चेक किया फोर डॉट txt, फोर डॉट txt में एक लाइन मौजूद है, मैंने यहाँ पर किया, जो भी चेंज आया आपकी फाइल में आपने उसको कमिट किया। कमिट, ये चेंज आपका कमिट हो गया। अब इस चेंज को कमिट करने के बाद आप इसको चाह रहे हैं कि ये मास्टर में मर्ज हो जाए, अगेन क्योंकि मास्टर में कोई नया कमिट मौजूद नहीं है, सिर्फ
डेव में मौजूद है। जब आप मर्ज कॉल करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, मास्टर पे मूव होगा और मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा। ब्रांचेस, डेव और मास्टर को सेलेक्ट किया, क्लोज किया। और क्योंकि मुझे डेव के चेंजेस मास्टर में लाने हैं, मैंने डेव सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और क्रिएट मर्ज कमिट। सर, डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म फास्ट फॉरवर्ड, दिस विल मूव ब्रांच पॉइंटर टू सेलेक्टेड कमिट। क्योंकि हमारे पास सेम चेंजेस है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब आपके जो भी चेंजेस थे फोर डॉट टीएक्सटी के, डेव भी वहीं पर ही है और मास्टर भी वहीं पर ही, दोनों में चेंजेस एक पॉइंट पर आ चुके हैं। इसको मैं पुश कर दूंगा तो रिमोट पे पुश भी हो जाएगा। ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज है। आप जब मर्ज करने जाते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चेंजेस मौजूद होती हैं, तो आप इसको मर्ज फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करेंगे ताकि दोनों ब्रांचेस की हिस्ट्री सेम हो जाए। मर्ज करने की दूसरी पॉसिबिलिटी, एक हमने देखी फास्ट फॉरवर्ड, दूसरा तरीका मर्ज कमिट। अक्सर केसेस में जैसा कि हमने देखा है कि हमने मास्टर से डेवलपमेंट ब्रांच बनाई, मास्टर में चार कमिट थे तो वही चार कमिट डेवलपमेंट ब्रांच में भी आ गए। उसके बाद हो सकता है कि मास्टर में भी एडिशनल कमिट्स आ जाएं और आपकी डेवलपमेंट ब्रांच में भी एडिशनल कमिट आ जाएं। अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा फ़र्क है फास्ट फॉरवर्ड के मुकाबले में। फास्ट फॉरवर्ड में एक वक्त में एक ही ब्रांच में एडिशनल चेंजेस थे, यहाँ पर दोनों ब्रांचेस में एडिशनल चेंजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ब्रांच ए में भी चेंजेस किए हैं, ब्रांच बी में भी चेंजेस किए हैं, तो अब जब आप मर्ज करने जाएंगे तो गिट एक एडिशनल कमिट क्रिएट करता है। इस डायग्राम में देखें, जब ब्रांच क्रिएट हुई ब्रांच बी ब्रांच ए से, तो उस वक्त दोनों में कमिट था C1। उसके बाद ब्रांच बी ने दो कमिट एडिशनल किए हैं और ब्रांच ए ने एक कमिट एडिशनल किया है। इस केस में आपको जब मर्ज करने जाते हैं तो ये मर्ज कमिट सिनेरियो होता है, फास्ट फॉरवर्ड सिनेरियो नहीं है, मर्ज कमिट सिनेरियो है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में एडिशनल कमिट्स मौजूद हैं। इस सिनेरियो में क्योंकि आपके ब्रांच ए और बी दोनों में एडिशनल कमिट हैं, गिट एक नया कमिट क्रिएट करता है और उसमें उन दोनों ब्रांचेस का डिफरेंस ऐड करके एक नया कमिट जनरेट कर देता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, C1 पर दोनों ब्रांचेस बनी, फिर बी ने एक कमिट ऐड किया, ए ने भी एक कमिट ऐड किया, बी ने फिर एक एडिशनल कमिट ऐड किया, तो टोटल चार कमिट थे। C1 ब्रांच बी में C2 और C4 है, ब्रांच ए में C3 है। अब दोनों में एडिशनल कमिट्स हैं। अब जब आप मर्ज करेंगे ब्रांच बी को ब्रांच ए में, तो ब्रांच ए में एक एडिशनल कमिट आ जाएगा, कमिट 5, C5 यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है। C1 to C3 सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनका कमिट से कोई कमिट का हैश भी नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पढ़ने के लिए देख रहे हैं। तो अब वहाँ पर एक पांचवा कमिट क्रिएट हो जाएगा C5 के नाम से, जिसमें दोनों चेंजेस मौजूद होंगे और वो मर्ज कमिट हो जाएंगे। इसीलिए इसे मर्ज कमिट कहते हैं, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में चेंजेस हैं, जब उनको मर्ज करते हैं तो एक एडिशनल कमिट क्रिएट हो जाता है। अब हम इसका डेमो देखते हैं कि जब दोनों ब्रांचेस में चेंज कमिट्स मौजूद हों तो उनको जब मर्ज करेंगे तो जो एडिशनल कमिट क्रिएट होता है उसका क्या सिनेरियो है। तो इस वक्त हमारे पास अगर हम देखें, टैब और मास्टर, इस वक्त आप मास्टर पे हैं और लॉग्स देखते हैं। इस वक्त ये कंडीशन है, मास्टर डेव सब कुछ एक पोजीशन पे है। मैं यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, मास्टर पे खड़े होकर ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। डेव टेस्ट, गेट ब्रांच, ये लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे आके हमने कहा गेट चेकआउट डेव टेस्ट। जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया, गेट लॉग देखते हैं, तो आपकी डेव टेस्ट, मास्टर डेव, सारी ब्रांचेस एक पॉइंट इन पॉइंटर पे हैं। अब मैं डेव टेस्ट में, क्योंकि डेव टेस्ट मैंने मास्टर से क्रिएट की है, डेव टेस्ट में मैं एक कमिट करूँगा। मैं अपडेटेड फॉर मर्ज कमिट, इसको सेव किया और टर्मिनल में आके
कमिट कर दिया, गिट लॉग। अभी हमें बता रहा है डेव टेस्ट एक कमिट आगे निकल चुका है और इज एन मास्टर डेव पीछे है। अब मैं मूव करूंगा मास्टर ब्रांच पे और वहां पर भी एक चेंज करूंगा। स्टेटस चेक किया, इससे पहले हमने फोर्थ तो टीएक्सटी में चेंज किया था। अब मैं मूव कर रहा हूँ फोर्थ, यहाँ पर आया तो वो चेंज गायब है क्योंकि वो चेंज डेव टेस्ट ब्रांच में मौजूद है। अब मैं सेकेंड और टीएक्सटी में एक लाइन ऐड करता हूँ। अपडेटेड फॉर मर्ज कमिट, अब आप देखें ये आपको दिखा रहा है कि ओरिजिन यहाँ पर मौजूद है, डेव भी यहाँ पर मौजूद है, मास्टर एक कमिट आगे निकल गया है, डेव में एक अलग कमिट है। तो अब इस पॉइंट के बाद मास्टर और डेव में एक एक कमिट मौजूद है। अब मैं इस वक्त मास्टर में ही मौजूद हूँ, ग्रीन साइन बता रहा है कि मैं इस वक्त मास्टर में हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेव के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो मास्टर में मर्ज हो जाए। मैंने कहा गेट मर्ज, उससे पहले मैं कमेंट्स दिखा दूं, मास्टर में कमिट आखिरी कमिट क्या है फोर्थ डॉट टी एक्स टी के बाद सेकेंड डॉट टी एक्स टी अपडेटेड सेकेंड डॉट टी एक्स टी, ये आपका कमिट है। गेट चेकआउट डेव टेस्ट, डेव टेस्ट में आखिरी कमेंट आपका फोर डॉट टी एक्स टी है। अब मैं फिर गेट चेकआउट मास्टर, गेट मर्ज डेव टेस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेव टेस्ट में जो भी चेंजेस हैं वो मास्टर में आ जाए। याद रहे कि इस वक्त मास्टर में एक एडिशनल कमेंट मौजूद है। अब मैं गेट मर्ज डेव टेस्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये फास्ट फॉरवर्ड लिखा हुआ नहीं है, मर्ज मेड बाय रिकर्सिव स्ट्रेटजी फॉर डॉट टी एक्स टी फाइल चेंज दिस दिस जो भी आया। अब हम जाके लॉग देखते हैं। मास्टर में सेकेंड डॉट टी एक्स टी फोर डॉट टी एक्स टी मास्टर में फोर डॉट टी एक्स टी एड हो गया। डेव टेस्ट के अंदर जो कमिट था एक, हमने फोर डॉट टी एक्स टी को अपडेट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है और सेकेंड डॉट टी एक्स टी उसका अपना मर्ज था, कमिट था। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल कमिट आया है जिसका नाम है, जिसको कमिट में दिया गया मर्ज ब्रांच डेव टेस्ट। जैसे कि हमने देखा था जब दो ब्रांचेस में कमिट्स मौजूद होते हैं तो मर्ज कमिट में एक तीसरा आखिरी कमिट क्रिएट हो जाता है दोनों ब्रांचेस को सेम पॉइंट पे लाने के लिए। तो इस वजह से आपका ये मर्ज कमिट जो है एक एडिशनल कमिट क्रिएट करता है दोनों ब्रांचेस को सेम पॉइंट पे लाने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं अगर गेट चेकआउट डेव टेस्ट पे जाऊँगा, गेट लॉग, इस वक्त डेव टेस्ट में अभी भी मास्टर की चेंजेस नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मास्टर में डेव को मर्ज कर दिया है लेकिन डेव के अंदर मास्टर मौजूद नहीं है। अगेन, क्योंकि डेव में एडिशनल कमेंट मौजूद है, मास्टर में भी एडिशनल कमेंट मौजूद है। अगर मैं मास्टर को डेव में मर्ज करूँगा तो एडिशनल कमेंट क्रिएट होगा। फास्ट फॉरवर्ड एडिशनल कमेंट क्रिएट नहीं हुआ। वजह क्या है कि जब हमने डेव टेस्ट को मास्टर में मर्ज किया था, जब हमने डेव टेस्ट को मास्टर में मर्ज किया उस वक्त डेव और मास्टर में एडिशनल कमेंट्स अलग अलग मौजूद थे। डेव टेस्ट के कमेंट्स मास्टर में आ गए और मास्टर में एक मर्ज कमेंट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद
डेव और मास्टर की एक एंसेस्टर बन गया, लेकिन मास्टर में एक एडिशनल कमेंट मौजूद है जो कि डेव में नहीं है। तो उस पॉइंट पर दोनों इस पॉइंट पर आ गए थे कि डेव के सारे चेंजेस मास्टर में आ गए थे। अब जब मास्टर के चेंजेस डेव में गए तो इसने फास्ट फॉरवर्ड मर्ज किया है, क्योंकि सिर्फ एडिशनल कमिट मास्टर में मौजूद थे, डेव टेस्ट में नहीं थे। गेट लॉग ये आ गया सारे चेंजेस। अब डेव टेस्ट और मास्टर सब एक पॉइंट पे आ गए। तो इस तरीके से आप जब भी मर्ज करेंगे, जो भी आपकी ब्रांच मल्टीपल ब्रांचेस होंगी और दोनों ब्रांचेस में कमिट्स मौजूद होंगे, तो आप जिस ब्रांच को दूसरे ब्रांच में मर्ज करेंगे तो एक मर्ज कमिट क्रिएट होता है, इसीलिए ये दूसरी पॉसिबिलिटी होती है मर्ज कमिट की। अब हम जो दो ब्रांचेस में सेपरेट कमिट मौजूद हैं और उसको मर्ज करते हैं, मर्ज कमिट क्रिएट होता है, उसे हम स्मार्ट ग्रिड के थ्रू करके देखेंगे। डिफरेंस हालांकि कोई नहीं है, जो भी आपने टर्मिनल से किया एग्जैक्टली वही सब कुछ होगा, सिर्फ आप यूआई से उसकी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे यूआई एक्शंस के थ्रू। इस वक्त हम मास्टर में मौजूद हैं और मास्टर से कुछ फाइल्स मौजूद हैं, मास्टर में ये फाइल्स मौजूद हैं। मास्टर से मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, ब्रांच ऐड ब्रांच, टेस्ट ऐड ब्रांच एंड चेकआउट। अब इस वक्त जो मेरी ब्रांच है इसमें टेस्ट और मास्टर दोनों सेम पॉइंट पर मौजूद हैं, टेस्ट और मास्टर। अब मैं इसको मास्टर में टेस्ट ब्रांच में अपने कुछ चेंजेस करके पुश करूँगा। मेरी टेस्ट ब्रांच में एक एडिशनल कमिट आ गया है। अब मैं मास्टर ब्रांच में मूव करूंगा और मास्टर ब्रांच में भी एक चेंज इंट्रोड्यूस करूंगा। अपडेटेड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी कमेंट एंड कमेंट किया मैंने, पुश नहीं कर रहा इस वक्त, मैं कमेंट कर दिया। अब मास्टर में भी एक चेंज मौजूद है और टेस्ट में भी एक चेंज मौजूद है जो कि एडिशनल है। अब मुझे मास्टर के अंदर जाके टेस्ट में जो चेंजेस आए हैं वो मास्टर में मर्ज करने हैं। मर्ज पे क्लिक करूँगा, ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो जिन दो ब्रांचेस को मर्ज करना है, मैंने मास्टर और टेस्ट सेलेक्ट किया और मुझे जो टेस्ट ब्रांच में मौजूद है वो मर्ज करना है, तो टेस्ट ब्रांच के चेंजेस पे क्लिक किया मैंने ताकि वो मास्टर में मर्ज हो जाए। क्रिएट मर्ज कमिट। अब देखें इसने मुझसे नहीं पूछा कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करना है या मर्ज कमिट क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो नहीं सकता, मर्ज कमिट क्रिएट होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में यूआई के एग्जांपल में देखा था, उसने पूछा था फास्ट फॉरवर्ड या मर्ज कमिट। अब लॉग्स में आके देखते हैं मास्टर की, जो टेस्ट के अंदर जो भी चेंजेस थे वो तो आ चुके हैं, लेकिन एक एडिशनल कमिट क्रिएट हुआ है जो कि है मर्ज ब्रांच टेस्ट का। और जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये टाइमलाइंस हैं, ये बता रही हैं कि किस पॉइंट पे ब्रांच बनी थी और वो मर्ज हुई थी, फिर उससे मज़ीद ये ब्रांच निकली, जैसे ये टेस्ट ब्रांच निकली और इसमें मास्टर में मर्ज हो गई। तो ये आपको पूरी टाइमलाइन दिखा रहा है इस कब ब्रांचेज स्प्लिट हुई और कब वो मर्ज हुई। तो ये आपके पास टाइमलाइन आ रही होती है जब आप मर्ज के थ्रू करते हैं। रीबेस में इससे फ़र्क होता है, रीबेस आपकी टाइमलाइन को स्ट्रेटन कर देता है, सिंगल लाइन कर देता है। वो आगे चल के देखते हैं।
इस तरह हमने मर्ज किया तो एक मर्ज कमिट क्रिएट हुआ है, जब दो ब्रांचेस में अलग अलग कमिट्स मौजूद होंगे तो। रीबेस, जैसा कि हमने मर्ज में देखा कि फास्ट फॉरवर्ड या मर्ज कमिट के थ्रू जब आप मर्जिंग करते हैं, मर्ज कमिट में एक एडिशनल कमिट क्रिएट होता है जिस जो आइडेंटिफिकेशन होता है दो ब्रांचेस कहाँ आकर कमिट हो रही है। अक्सर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस की रिलेशन नहीं चाहिए, आप ये प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे आपका कोड या आपकी जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व हुई है एज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक ही कमिट्स एक साथ हुए हैं। आप नहीं चाहते कि एक ब्रांच बनी है, उस ब्रांच में कुछ कमिट हुए हैं, वो आकर इस ब्रांच में मर्ज हुए हैं, आप ये नहीं देखना चाह रहे। आप चाह रहे हैं, आप नज़र आए कि ये एक सिंगल एक ही ब्रांच है और सारे कमिट्स इसी में हुए हैं, तो आप एक जो स्प्लिटिंग लाइंस हैं वो नहीं रखना चाहते अपने ब्रांच में, तो उसके लिए आप गेट मर्ज कॉल नहीं करेंगे, उसके लिए आप रीबेस कॉल करेंगे। रीबेस क्या करता है? रीबेस ये करता है कि वो ब्रांचेस की स्प्लिटिंग मैनेज नहीं करता, वो इस तरीके से मर्ज करता है जैसे आपको लगे कि जो भी चेंजेस हैं वो इसी ब्रांच में हुए हैं और इसी के चेंजेस हैं, कोई अलग से आकर मर्ज नहीं हुए किसी और ब्रांच से। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, हालांकि ये कमिट्स अलग अलग हुए होंगे लेकिन इस वक्त ब्रांच ए और ब्रांच बी के सारे कमिट्स एक लाइन पर मौजूद हैं, तो उस वक्त ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि किस ब्रांच में कमिट हुआ था, ये इस तरह नज़र आएगा कि एक ही ब्रांच में ये चेंजेस हुई हैं और इसी में काम हुआ है सारा। अब हम रीबेस को ज़रा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि हो क्या रहा होगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमने गेट मर्ज कमिट के लिए भी देखी थी, एग्जैक्टली वही है कि सी आपका कमिट था उससे ब्रांच ए पर, उससे ब्रांच बी निकली और उसके बाद ब्रांच ए में भी एक कमिट आया और ब्रांच बी में दो एडिशनल कमिट आए। तो अब आप इसको मर्ज करने के बजाय रीबेस करेंगे तो उसकी कमांड बिल्कुल सिंपल है, गेट रीबेस ब्रांच बी। उससे क्या होगा, ब्रांच बी रीबेस के तौर पे मर्ज होगी लेकिन रीबेस होगी। अब गेट करेगा क्या रीबेस के केस में, क्योंकि आप ब्रांच बी को ब्रांच ए में मर्ज करने जा रहे हैं तो रीबेस क्या करेगा, सबसे पहले जो ब्रांच ए में जो एडिशनल कमिट थे जो बाद में हुए थे उसे डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड एक्चुअली नहीं करेगा, उसे टेम्परली सेव अवे कर देगा, उस पॉइंट तक अंडू कर देगा जिस पॉइंट तक ब्रांच ए और ब्रांच बी सिमिलर थे, जहां से ब्रांचिंग हुई थी उस पॉइंट तक ब्रांच ए के सारे चेंजेस को अंडू कर देगा, उसमें फिर ब्रांच बी के चेंजेस ऐड करेगा और उसके बाद आखिर में ब्रांच ए का जो एडिशनल कमिट था वो ला के ऐड कर देगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सी के बाद कमिट सी थ्री जो था उसे अलग कर दिया है, अब कमिट सी टू और कमिट सी फोर इनको मर्ज किया जाएगा ब्रांच ए में। अब आप देखें सी वन सी टू और सी फोर एक लाइन में नज़र आ रहे हैं लेकिन ब्रांच ए में जो चेंजेस हुए थे जो कि सी थ्री में मौजूद थे वो अभी तक मर्ज नहीं हुए, वो सेपरेटली मौजूद हैं, वो अभी तक अप्लाई नहीं किए गए क्योंकि वो सेपरेट मौजूद हैं, सी थ्री को अलग से सेव कर दिया है गिट ने। उसके बाद सी वन सी टू और सी फोर के बाद ब्रांच ए के कमिट्स जो कि सी थ्री था उसे अप्लाई किया जाएगा और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में ही काम हुआ है। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, सी थ्री जो कमिट हुआ था वो मिड ऑफ द टाइम हुआ था, यानी कि सी वन से जब ब्रांच बी बनी सी टू कमिट हुआ और ब्रांच ए में सी थ्री कमिट हुआ, उसके बाद सी फोर कमिट हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब जब आप सी थ्री को बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं और सी टू और सी फोर को एक लाइन में लेकर आ रहे हैं, सी थ्री जो बाद में आ रहा है ये एक नया कमिट है, ये एग्जैक्टली सी थ्री नहीं है, सी थ्री के चेंजेस तो इन्वॉल्व हैं लेकिन ये एक नया कमिट है, जैसे कि डायग्राम में भी आपने देखा था सी थ्री के ऊपर एक स्टेरिक बना हुआ है, समझाने के लिए कि वो ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये सी थ्री तो है जो कमिट ब्रांच ए का था, चेंजेस तो वही हैं लेकिन ये एक नया कमिट है, ये उस कमिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक नया कमिट बन रहा है जिसमें सी थ्री को, क्योंकि अब ब्रांच ए में सी टू और सी फोर कमिट भी आ चुके हैं तो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसको करके एक नया कमिट क्रिएट होता है, ये गिट रीबेस में होता है। बेनिफिट क्या है रीबेस का, कि आपको ये लगेगा कि ब्रांच ए में जो
कमिट्स मौजूद हैं वो ब्रांच ए में ही किए गए हैं। इससे ये नहीं मिलेगा आपको कहीं से कि पहले कोई स्प्लिट हुआ था, वो चेंजेस हुए थे और वो ब्रांच ए में आके मर्ज हुए। सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसा लगेगा कि ये सिंगल ब्रांच इवॉल्व हुई है और इसी में सारे कमिट हुए हैं। गिट मर्ज जबकि आपको ये पूरी आइडेंटिफिकेशन देगा कि कहाँ ब्रांच स्प्लिट हुई थी, कहाँ कमिट हुए थे, वो कमिट्स कहाँ आके ब्रांच ए में दोबारा से मर्ज हुए। आपके पास पूरी स्प्लिट हिस्ट्री आ रही होती है, ट्री पूरा नज़र आ रहा होगा कब कहाँ से मर्ज हुआ और किधर पहुँचा, जबकि रीबेस में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए रीबेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मर्ज के मुकाबले में। अब हम रीबेस का डेमो देखते हैं। पहले हम देखते हैं हम किस ब्रांच में मौजूद हैं। गिट ब्रांच मास्टर ब्रांच में मौजूद हैं और उसमें कुछ कमिट्स मौजूद हैं। अब मैं कुछ कमिट्स ऐड कर देता हूँ मास्टर ब्रांच पे ही पहले। एक फाइल ऐड की, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक और कमिट करते हैं, दो कमिट्स हो गए इस वक्त, दो एडिशनल कमिट मौजूद हैं मास्टर में। अब मैं मास्टर से एक ब्रांच क्रिएट करूंगा ताकि उस ब्रांच में मैं कुछ चेंजेस करूं। इस पॉइंट पे इस वक्त जो दो कमिट हुए हैं, इन दो कमिट के बाद ब्रांच क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो इस वक्त आपका जो लेटेस्ट कमिट है वो ये है, अपडेटेड सेकेंड डॉट टी एक्स टी सी थ्री, जो इस वक्त हमने किया है। तो इसलिए जब मैं इससे ब्रांच क्रिएट करूंगा तो वो ब्रांच इस दोनों मास्टर का और जो ब्रांच क्रिएट होगी उसका कॉमन एंसेस्टर कमिट होगा ये कमिट। गिट ब्रांच डेमो रीबेस एक ब्रांच बना दी मैंने। गिट चेकआउट डेमो रीबेस, अब देखें मास्टर और रीबेस दोनों इस कमिट में मौजूद हैं। अब मैं रीबेस जो मैंने नई ब्रांच बनाई है इसमें जाके कोई एक कमिट करता हूँ। इस वक्त हम डेमो रीबेस ब्रांच में मौजूद हैं। एक चेंज आया, गिट ऐड गिट कमिट, कमिट कर दिया हमने। अब आपके रीबेस में एक एडिशनल कमिट मौजूद है, मास्टर यहाँ मौजूद है। हम मास्टर पे मूव करेंगे और मास्टर में भी एक कमिट करेंगे। अपडेटेड फॉर रीबेस इन मास्टर कुछ भी लिख के अपने अब मास्टर ब्रांच के पास आपकी डेमो रीबेस ब्रांच और मास्टर यहाँ पर सेम थी। मास्टर ब्रांच में एक एडिशनल कमिट आ चुका है
और रीबेस ब्रांच में एक एडिशनल कमिट आ चुका है। अब रीबेस जब हमने मर्ज कमिट देखा था उस वक्त क्या था कि जो भी ब्रांच मर्ज होने जाती है तो एक तीसरा मर्ज कमिट क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप कायम रहती है, कमिट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस ब्रांच से आया था, ताकि वो रिलेशनशिप मेंटेन हो, जो कि हम यूआई में ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। इस वक्त मैं करता हूँ मास्टर पे मौजूद हैं, हम लॉग्स देखते हैं एक बार फिर। लॉग्स के हिसाब से एक कमिट है D7C35 जो कि मास्टर पर है, C363 ये वो कमिट है जहाँ पर दोनों ब्रांचेस सिमिलर थे। अब चेक गेट चेकआउट, यहाँ पर जो एडिशनल कमिट मौजूद है C36 इसमें भी मौजूद है, और जो एडिशनल कमिट है वो है 5A24। तो अब जो एडिशनल कमिट डेमो रीबेस पे है वो है 5A24, और मास्टर पे जो एडिशनल कमिट है वो है D7C53। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम मर्ज करेंगे, रीबेस करेंगे, तो हमें कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। मास्टर में मूव किया और मैंने कहा गेट रीबेस डेमो रीबेस, ब्रांच का नाम दे दिया। रिवाइंडिंग हेल्प्स टू रीप्ले योर वर्क ऑन टॉप ऑफ इट, अप्लाइंग अपडेटेड first.txt। अब जैसा कि हमने देखा है कि रीबेस क्या करता है, जिस पॉइंट इन टाइम पे दोनों के कमेंट सेम होते हैं उस पॉइंट के बाद से, क्योंकि मैं मास्टर में खड़ा हूँ, मास्टर के कमेंट से उसने हटाए, डेमो रीबेस के कमिट्स अप्लाई किए, उसके बाद मास्टर के कमिट्स अप्लाई किए। हिस्ट्री में जाके एक बार दोबारा देख लेते हैं। मास्टर में हमारा कमिट था D7C3 अपडेटेड first.txt, ये हमारा कमिट था। डेमो रीबेस में था अपडेटेड 4.txt 52A40, ये हमारा कमिट था, और दोनों में कॉमन कमिट ये मौजूद है C36C। अब मास्टर में मर्ज हो चुका है, हम मास्टर के लॉग्स देखते हैं। C363 ये वो कमिट है जो दोनों में सेम था। अब देखें डेमो रीबेस, ये कमिट आ चुका मास्टर में, जो अपडेटेड फर्स्ट रीबेस का जो कमिट था वो नया कमिट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मास्टर में वो था D73, यानी कि एक नया कमिट क्रिएट किया गया। नया कमिट क्यों क्रिएट किया गया है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन ब्रांच बन रही है, तो आपका जो कमिट था first.txt इसका एंसिस्टर बनना था इस कमिट ने। पहले इसका एंसिस्टर था, इस कमिट का एंसिस्टर था C363, लेकिन अब क्योंकि ये सिंगल लाइन बननी है, ऐसे दिखाना है कि ये एक साथ ही एक ही ब्रांच में काम हुआ है, सिर्फ मास्टर में काम हुआ है, इसलिए ये दिखा रहा है कि ये C363 कॉमन एंसिस्टर था। इसके बाद मास्टर के सारे कमिट रिमूव हुए, डेमो रीबेस के कमिट ऐड हुए जो कि ये है। तो अब आपकी टाइमलाइन पे अपडेटेड second.txt का कमिट आ गया C36C, फिर उसके बाद 582 है। अब मास्टर के जो कमिट हटाए गए थे वो अप्लाई हुए आखिर में, तो इस वजह से वो एक नया कमिट है, क्योंकि उसे बताना है कि आपका एंसिस्टर ये है नया वाला। तो ये रीबेस के केस में ब्रांच तो सिंगल लाइन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम रीबेस को अप्लाई करने की स्ट्रेटजी स्मार्ट गेट के थ्रू देखेंगे, यूआई के थ्रू कैसे अप्लाई होगा। जैसा कि हमने देखा रीबेस के केस में ब्रांचेस की सिंगल लाइन हिस्ट्री बन जाती है, वो ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है कि ये किसी पॉइंट पे स्प्लिट हुआ था और उसके बाद काम हुआ था। इस वक्त हमारे पास मास्टर ब्रांच मौजूद है, मास्टर ब्रांच के लॉग्स देख लेते हैं। इस वक्त लॉग्स आ रही हैं, ये टाइमलाइन इस पे ज़रा गौर करें, ये जो टाइमलाइन क्रिएट हुई है ये बता रही है कि इस पॉइंट पे एक टेस्ट ब्रांच बनी थी, उसमें कुछ कमिट आए और वो टेस्ट ब्रांच यहाँ पर आकर
मर्ज हो गई मास्टर में। इस वक्त मास्टर में कमिट मौजूद है, एक डेमो रिवेस मौजूद है। मास्टर में मैं 2-3 कमिट करूंगा, एक कमिट कर लेता हूं मास्टर में एडिशनल। ये मास्टर में मैंने चेंज किया और इसको कमिट किया। second.txt कमिट, इसको कमिट कर दिया। अब मास्टर में मेरे पास ये ओरिजिन दिखा रहा है कि ये ओरिजिन रिमोट रिपोजिटरी में यहाँ तक मौजूद है। आपके पास मास्टर में ये कमिट आ गया एडिशनल। अब मैं इस पॉइंट पे एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, मास्टर से एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, एड ब्रांच। टेस्ट रीबेस, एड ब्रांच एंड चेकआउट। मैंने एड ब्रांच और चेकआउट किया तो मैं टेस्ट रीबेस ब्रांच में मौजूद हूँ। लॉग्स में गया, मैं लॉग्स में आके चेक किया तो जो ब्रांच की लॉग्स की हिस्ट्री थी वही टेस्ट रीबेस ब्रांच की हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि सार क्योंकि मास्टर से वो ब्रांच क्रिएट हुई है तो मास्टर की पूरी हिस्ट्री इसके पास मौजूद है। और अपडेट सेकेंड और टी एक्स टी के पॉइंट तक रीबेस और मास्टर सेम है। अब मैं रीबेस में एक टेस्ट रीबेस में एक कमेंट ऐड करूंगा। ये चेंज मैंने किया, इसको कमिट किया, ये चेंज यहाँ आके कमिट करूँगा। अपडेटेड third.txt कमिट कर दिया। अब लॉग्स देखेंगे, अब ये दिखा रहा है कि मास्टर इस पॉइंट पे मौजूद है और टेस्ट रीबेस यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त देख रहे हैं ये येलो लाइन क्रिएट हुई हुई है। अब मैं मास्टर ब्रांच में मूव करता हूँ और एक कमिट मास्टर ब्रांच में करता हूँ। फिर तो txt अपडेटेड, फिर तो txt कमिट कर दिया। अब मास्टर ब्रांच में एक कमिट मौजूद है, सेकेंड और txt तक तो मास्टर ब्रांच में मौजूद था और डेमो रीबेस में भी टेस्ट रीबेस की ब्रांच में भी सेकेंड और txt था। और टेस्ट रीबेस की ब्रांच में एक कमिट ऐड हुआ है और मास्टर ब्रांच में कमिट ऐड हुआ है, यानी कि दोनों ब्रांचेस में एक एक एडिशनल कमिट मौजूद है। अब मैं इस पॉइंट इन टाइम पे अगर मास्टर में मर्ज करता हूँ, अगर मैं मर्ज करूँगा तो ये क्या करेगा कि एक ट्री बनाएगा, जैसा कि ये पहले ट्री बना हुआ है टेस्ट से निकल के मर्ज का। लेकिन अगर मैं सिर्फ रीबेस करूँगा तो ये ट्री नहीं बनाएगा, ये सिंगल लाइन शो करेगा। दोनों ब्रांच में कमेंट मौजूद है, मैं यूआई में आया, रीबेस पे क्लिक किया, ब्रांचेस मास्टर और टेस्ट रीबेस सेलेक्ट की मैंने, क्लोज किया। टेस्ट रीबेस को मर्ज करना है। अब देखें ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये ब्रांच निकली थी। और अगर इसको मैं जैसे यहाँ पर है मर्ज करूँगा तो ये हमेशा मौजूद रहेगा कि ये इससे निकला था, यहाँ पे चेंज हुआ था और यहाँ मर्ज हुआ था। रीबेस करने में ये इंडिकेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रिबेस टू, रिबेस किया, अप्लाइंग अपडेट। फिर अब आप देखें
यहाँ पे कोई ट्री नहीं बना, जैसे यहाँ पे एक स्प्लिट नज़र आ रहा है, आपका मास्टर अपडेट हो गया है, मास्टर में अपडेटेड थर्ड और टीएक्सटी का चेंज आ चुका है, इसको हम देख भी लेते हैं। थर्ड और टीएक्सटी रीबेस टेस्ट रीबेस ब्रांच में जो चेंज हुआ था वो चेंज भी आ गया है हमारे पास, लेकिन ये इसने स्प्लिट नहीं दिखाया कि यहाँ इस पॉइंट से एक ट्री निकला हो और वो जाके इसमें मर्ज हुआ हो। मर्ज कमिट नहीं आया, सिर्फ एक नया कमिट बन गया, जो पुराना फिफ डॉट कमिट था उसने बता दिया कि आपका पेरेंट कमिट अपडेटेड थर्ड डॉट टीएक्सटी है। इस तरीके से आप जब भी रीबेस करेंगे तो आप उस केस में रीबेस करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांच इस तरीके से बने कि वो सिंगल ब्रांच है, सिंगली सिंगली इवेलुएट इवॉल्व हुई है, उसमें कोई ब्रांचेस एडिशनल क्रिएट नहीं हुई थी और स्प्लिट होकर मर्ज नहीं हुई है। जब आप इस तरह मैनेज करना चाहते हैं तो आप रीबेस करेंगे, लेकिन रीबेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि जब एक एडिशनल कमिट क्रिएट होता है जो कि पुराने कमिट का ही चेंज होता है, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज एड अप हो जाती हैं। अगर यहाँ पर तो हम सिंपल फाइल्स में चेंज कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा कोड होगा, बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाती है।